ऑफ करें, चिल्ले का सामान बोले वो भी दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बयाबानी पीटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र एक अफसोसनाक वाक़े की जानिब। 22 साल लड़की जो 1.5 साल पहले ही दुल्हन बनी थी, आज इसकी मौत वाक़ हो गई है। ये वाक़ चंद्रायनगुट्टा पीएस हदूद में पेश आया। नरखी फूलबाग के इलाके में अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साल फरहाना बेगम, जिसकी शादी 1.5 साल कबल अल्ताफ नामी दरिंदा सिफात शख्स से हुई थी, आज बरोज़ मंगल फरहाना बेगम की मौत वाक़ हो गई है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और अल्ताफ को अपनी हिरासत में ले लिया। घर वालों का लड़की के घर वालों का शुबा है कि ससुराल वाले और शौहर की ही वजह से ये मौत हुई है। आए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात घर वालों की ही ज़ुबानी। तफसीली रिपोर्ट बयाबानी बीएनटी न्यूज़ के ज़रिए। इसी तरह के मालूम के लिए बयाबानी बीएनटी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। बोलो बोलो पूरा बोलो, ऐसा लेके बोलो बोल के ले गए जी। ओ माया से अच्छी गई उन्हें, अच्छी गई उन्हें। बोलो चाचा टॉर्चरा दिए सब पूरा बोल, सोना ले लिए, वो बच्ची को पिना दिए, उनका खींच लिए सब बोल बोल। अभी पता लगा टाइम है सो के सोप करे, चिल्ले का सामान बोले वो भी दिए। नाम पल्ली आगा पूरा कल आके करके बच्ची को ले लेके चले गए 3 बजे तक। अच्छा करके करा के सब अच्छे से गए नो यहाँ से, ना फोन करे ना कुछ करे, सिर्फ 8 बजे मेरे से बात करे ख़त्म। उसके बाद से बात ही नहीं करे उन्होंने, अच्छा फ़ोन भी नहीं करे बोला पूरा लाश के साथ। वो भी अब बोले, वो भी 3-4 बजे के टाइम पे बोले, खाली सीरियस है बोले बस। आपकी बच्ची का नाम क्या है और शादी कब हुई? फरहाना है। कब हुई शादी? 1 साल हो रहा, 24 फरवरी को हुई सैयद अल्ताफ के साथ। तो आज क्या हुआ? आज बुलाया ऐसा खाली बता दी, ऐसा सीरियस है बोल के मरे जो नहीं बोले। तबियत खराब है बोल के बच्ची 7 महीने मेरे कनिष्ठ थे, सब अच्छा करके चिल्ला तक करने के आस्ते बैठे थे हम लोग। तो बच्ची को डिलीवरी बेटा हुआ, बेटी बेटा हुआ उनको नॉर्मल। और वैसे मैं प्राइवेट में नहीं करे हम लोग, यहाँ गवर्नमेंट में करे, प्राइवेट का पूरा निकाले गवर्नमेंट में करे। तो क्या वजह थी जो ऐसा हुआ आज? वो इसे नहीं बोले ना लोग, कुछ भी बोल रहे नहीं कर रहे नहीं। अच्छा कुछ बच्ची आपको बोली थी कुछ चीज़ों के लिए टॉर्चर? हाँ ये बोले थे अम्मी वो झूला वो ये कुछ भी नहीं दिए ना तुम, वो मंगे उन लोग हाँ बोल के बोले। सोना 3 तोले दी, मैं सोना पूरा जहेज दिए, एक चीज अच्छे से अच्छा करके दिए और शादी पे भी अच्छा दिए उनको। तो आपको क्या बोलते कॉल आया फिर, कहता क्या हुआ? बच्ची आपके से गई बात अच्छी थी, आपके से गई बात? हाँ अच्छे से बात करे सब करे। उन्होंने रात में उसके फोन आया, रात भी नहीं आया, 3 बजे के टाइम पे फोन उनके हम बच्ची के जेट करे। क्या बोल के बोले? बच्ची ऐसा सीरियस है बोल के बोले बस, उनको बोले उनके पापा को सीरियस है बोल के बोले बस। उसके बाद से ये मरे सो करे सो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अच्छे से गई यहाँ से हंसते बोलते डेड बॉडी बता दिया आते बोलो। हाँ मेरे को तो मालूम भी नहीं, मैं तो ऐसा खाली बोले सीरियस ही थे बोलो, और घुमा रहे बात को लगा नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बोल रहे, सीधा ले आके वहाँ खड़ा दिए बच्ची के पास डेड बॉडी के पास। कहाँ रहते ससुराल वाले बच्ची के? बाबा नगर। बच्ची के बच्चे के घर वालों की किसी से बात हुई आप किसके बारे में? कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहे, कोई भी फोना भी नहीं। अगर हम धूम मचाए तो हमारे से पहले पुलिस स्टेशन में आ गए। रुखसार बेगम है, मेरी बहन फराना है, हमला नामपल्ली आगापुरा के रहने वाले है। 1 साल पहले 24 फरवरी को हम मेरी बहन की शादी हुई थी। अब ये 2 फरवरी को, 1 साल हो गया था 24 फरवरी को, 2 फरवरी को उनको बेटा हुआ था, बेटा हुआ था। तो उन लोग बार बार फोन कर, हाँ उन लोग
प्राइवेट हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी कराए तो प्राइवेट में कराना तो बच्चे को देखने नहीं आ रहे थे, बच्चे को देखने नहीं आ रहे थे, उनको भी देखने नहीं आ रहे थे। तो मेरी बहन इतना रो रही थी लगा सुन रहे नहीं थे। फिर गवर्नमेंट में कराए बोल के बार बार लड़ रहे थे फोना करके, बच्चे को देखने नहीं आ रहे बोल के मेरी बहन बहुत रो रही थी। फिर बाद में झूला फिर झूला होना, ये होना, सौ लोगों की दावत करो। हमारे लोग फकीरा है क्या, और सौ लोगों की दावत होना, हम लोग छट्टी की सौ लोगों की दावत होना बोल के बोल रहे सब करेंगे। अब जो हुआ अब क्या करते हैं, अब बहन के क्या हुआ बोलो जी अम्मी का। अब कल रात में कल एक दिन सास लेके जाके क्या करे रात में नहीं मालूम, मार दिया बच्ची को, मार के लाश के साथ बुलाए बाबा को अम्मा को, बच्चे को डब्बे में डाल दिए, डेड बॉडी डाल के बता रहे हैं जब इनका ऐसा हो गया बल्कि, और पूरा गायब हो गए, कोई नहीं है वहाँ पे, सब चले गए। मरद को पहले फंसाओ, पहले मरद को मारो, इंसाफ होना हम लोगों को, इंसाफ देना हमारे, इंसाफ होना हम लोगों को, पैसा भी करके इंसाफ दिला दो। हमारी मासूम बच्ची है, इसका छोटा बच्चा है मासूम, चिल्ला होके गई बच्ची यहाँ से, सुबह में लाश के साथ दिखी, अब इंसाफ होना है देखो हमको, हमारी बच्ची के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी बच्ची का कत्ल कर दिया गया या क्या कर दिया गया बताने, हमारे को 7 महीने हो गया, हमारी बच्ची हमारे पास थी, डिलीवरी हुई, बेटा हुआ उसको, कल शाम के टाइम आके उसकी वालदा और अल्ताफ दोनों मिलके बच्ची को लेके गए, ले जा ये सास और शौहर लड़की का, बच्ची का नाम फराना है, हम लोग आगापुरे में रहते हैं, आगापुरा चारखंदिल में, बच्ची की शादी होके 1 साल 3 महीने हो रहा और बच्ची को एक लड़का पैदा हुआ जिसकी डिलीवरी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए, 1.5 महीना हुआ सिर्फ, वही छिल्ला हुआ था कल, 1.5 महीना हुआ बच्चे को, बच्चा हुआ, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए, हम कहीं भी कराए भाई, हमारी कैपेसिटी थी हम करा लिए, प्राइवेट में कहीं को नहीं कराए। छिल्ले में जो है 100 आदमी 150 आदमी की दावत देना था, वो बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे, टॉर्चर करने के बाद बच्ची जाने को राज़ी नहीं थी, नहीं जाती बोल रही थी उन्हें, मेरे को बहुत सता रहे अम्मी, इन्हों काम करते नहीं, कुछ भी करते नहीं, इनके भाई के भरोसे पे बैठे हुए रहते, इन्हों 10 रुपये का टेस्ट भी मंगाना रहा तो उनके भाई को पूछना पड़ता, इन्हों कुछ करते नहीं कराते नहीं, इनके सब भाई को पूछो बोलते इनके, तो उस वजह से मैं नहीं जाती हूँ, मेरे को बहुत सता रहे, हमारे सास भी सता रहे और हमारे शौहर भी मार रहे मेरे को, बोल के बच्ची जाने को तैयार नहीं थी, फिर भी माँ क्या बोली, देखो बेटे जहाँ करके दे दिए वहाँ ज़िंदगी गुजारना है अपने को, वहीं जाओ, फिर समझा मना के हम बोलेंगे उनको, बोलते उनके वालदा जिम्मेदारी लेके गए, बच्चा भी आया, उनके वालदा भी आए, लेके आए, सिर्फ 24 घंटे भी नहीं गुजरे ले जाने के बाद में, 24 घंटे भी नहीं गुजरे, बच्ची को जो है कत्ल कर दिए नहीं मालूम, या गला दबा के मार दिया नहीं मालूम, क्या करें नहीं मालूम हमारे को। अब जबकि रात में जबकि पुलिस दवाखाने को लेके आए, अपोलो चंद्रान गुट्टा अपोलो में रात में लेके आए, हमारे को इतला कब दे रहे, 12 घंटे के बाद में इतला दे रहे, दिन के 3 बजे इतला दे रहे, तुम्हारी ये बच्चे का शौहर, बच्ची का शौहर अल्ताफ, उन्हें ला के एडमिट कराया करते, हमारे को 3 बजे इतला दे के बोल रहे तुम्हारी बच्ची सीरियस है, आके देखो यहाँ पे बोल के, जब हम देखने के वास्ते दवाखाने को आए तो बच्ची की डेड बॉडी बाहर रखे हुई है। तो आप बोलो अब क्या इसके लोगों का क्या करना, शादी कैसा हुई, लव मैरिज हुई, चैलेंज मैरिज, नहीं अरेंज मैरिज हुई साहब, अरेंज मैरिज हुई बाकायदा पूरे तौर तरीके से हुई, अरेंज मैरिज हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से अच्छा दहेज दिए, अच्छे से अच्छा सोना दिया, अच्छे से अच्छा खाना दिया, बच्ची नहीं जाना चाह रही तो फिर आप जबरदस्ती ऐसा क्यों, बड़ों में क्यों बात नहीं हुई है भाई, एक मौका दो बेटे, बात बाहर मत निकालो, एक मौका दो, तुम कहीं कुछ बात वो करते, अब ले जाके मार देते बोल के कौन सोचेंगे साहब, कोई भी अपनी इससे पहले ऐसे कभी लड़ाई हुई थी, इससे पहले बोलती थी, कहते बच्ची बोलती थी अम्मी हमारे साथ गालियाँ देते, हमारे शौहर मेरे को मारने आते, जो है जॉइंट फैमिली में ऐसा करने की वजह क्या इन्हों जोड़े की रकम नहीं लिए थे, 3 तोले सोना दिए थे इनको, गाड़ी उड़ी नहीं दिए थे कुछ भी, मेरा भाई ऑटो चला था, तो अगर कुछ होना तो आप डायरेक्ट बोल के मांगना था, जाओ 50,000 लाओ, जाओ 25,000 मांग के लाओ, वो लाओ ये लाओ बोल के टॉर्चर कर रहे थे, कहते बच्ची टॉर्चर करने के बाद अब कल क्या हुआ, बच्ची क्या बोली क्या नहीं बोली नहीं मालूम, और वो बच्ची को देखेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल नाजुक बच्ची है, यानी ऐसा यूँ हल जाती, इतनी नाजुक है,
इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ी थी, बच्ची अल्ताफ के घर वाले अल्ताफ लोग कहाँ पे, अल्ताफ लोग अंदर बैठे हुए कहाँ पे रहते हैं, फूलबाग में, फूलबाग में रहते हैं। अल्ताफ इंटीरियर डिजाइनर है बोल के बोले, उन्होंने काम कुछ नहीं जाते कभी, काम कुछ नहीं जाते कभी, चलो काम कुछ जाते बोले तो बात समझ में आती। कंप्लेंट करें इसके ऊपर, अभी हम चंद्रान गुट्टा पीएस में ही हैं, कंप्लेंट करने के बाद से आए, एसआई साहब कंप्लेंट ले रहे अभी हमारी। उन्होंने बोले जो भी हुआ हक पे जाने आपके साथ इंसाफ ही होगा, हम बस यही चाह रहे कि हमको इंसाफ होना और कुछ नहीं चाह रहे, गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है, कानून से यही मुतालबा है कि हमको इंसाफ होना। अब हम ये अल्ताफ को जो मैं बोल रहा हूँ, अल्ताफ को हम जो बच्ची देखे गलती करे, दोबारा कोई ऐसी गलती मत करिए, दोबारा ऐसी गलती मत करिए, ये सिर्फ बच्चियों की जान लेने वाले भेड़िए है, ये दहेज के भुक्के भेड़िए है ये, और अल्ताफ को कड़ी से कड़ी सजा होना, उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसके चिच्चा को, सबको सजा होना। आज जो छुटके बैठे हुए पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी की बच्ची की जान ले लेके ऐसा खामोश बैठना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बच्ची हमारी दवाखाने में पड़ी हुई है पेटी में, ये लोग आए पुलिस स्टेशन में छुपके बैठे हुए, हमको पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे। बस यही से इंतजा है हमारी, भाई लोगों से यही इंतजा है कि ऐसे भेड़ियों को अपने बच्चियां मत दीजिए।